एक बार फिर से प्राची हैं दिल्ली से हमारे साथ। हकीम साहब कुछ और सवाल थे इनके। जी प्राची जी सवाल कर लीजिए। मैम, मुझे ना वर्जाइनल एरिया में ना इचिंग बहुत रहती है अच्छा और मुझे ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। ठीक मेरे को सपेरा मेरा पेट जो है ना अच्छे से साफ नहीं हो पाता। मैं जैसे 1 डे छोड़कर 2nd डे छोड़कर मैं ऐसे जाती हूँ। ठीक बेटा उम्र कितनी है? 22 साल इनकी उम्र थी हकीम साहब। अच्छा अच्छा देखिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा है, आप अगर कर लें तो बहुत अच्छा है। देखिए एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं नमक कलौंजी। नमक कलौंजी एक आसान भाषा का लफ्ज़ है, ये देखने में नमक जैसा होता है लेकिन नमकीन नहीं होता और सफ़ेद भी होता है, बिल्कुल नमक जैसा होता है लेकिन कड़वा होता है, हल्का सा, बहुत मामूली सा कड़वा, और एक गिलास पानी में अगर मिला लो तो कड़वापन भी नहीं नज़र आता। तो ये नमक कलौंजी रसायन कलौंजी को कहते हैं, यानी एस्टेक कलौंजी को कहते हैं। ये आप ख़रीद लीजिए, 100-200 ग्राम बस काफ़ी रहेगा, और बहुत सस्ती दवा है, ऐसे 10-12 रुपये रोज़ की, 15 रुपये रोज़ की आपकी खुराक पड़ेगी या उससे भी कम। ये दो चुटकी, देखिए चुटकी है ऐसी, दो चुटकी एक गिलास पानी में डालिए, उसे मिक्स हो जाता है नमक की तरह लेकिन नमकीन नहीं होता। इसे आप रोज़ाना एक बार या दो बार पी लिया करिए, आपके पेट का निज़ाम सिस्टम, आपके पेट का सिस्टम, आपके लीवर का निज़ाम, आपके जो इन्फेक्शन उस जगह पर होता है जिसका आपने जिक्र किया, वहाँ पर इन्फेक्शन, एलर्जी, और कहीं भी एलर्जी, स्किन की एलर्जी, स्किन का इन्फेक्शन, पेशाब का इन्फेक्शन, आँतों का इन्फेक्शन, लीवर का इन्फेक्शन, ये बहुत कामों में काम आता है। यहाँ तक कि लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, आप असली लेना, नकली मत लेना, ये रॉ मटेरियल है, आप इसे इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। बिहार से हैं अगले कॉलर सुभाष जी, स्वागत है आपका। नमस्कार हेलो मैम। जी नमस्कार नमस्कार। टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए पहले। ठीक मैम। हाँ मैम, मैं वॉल्यूम कम कर दिया हूँ। है अब सवाल करिए। सवाल करिए मैम, मेरी मम्मी को गैस। सुभाष जी, मैं एक बार दोबारा आपसे कहना चाहूंगी, अगर टीवी का वॉल्यूम इतना तेज ही रहेगा तो मुझे आपकी कॉल कट करनी पड़ जाएगी। आप सवाल कर लीजिए। जी कम कर दिए मैम, कम कर दिए। जी, आपकी मम्मी को क्या परेशानी है बताइए। गैस की शिकायत रहती है हमेशा और खाना भी कम खाती है। एज क्या है उनकी। 60+ है मैम। ठीक है ठीक है जी। देखिए बहुत आसान नुस्खा है गैस के लिए, आप लिख लें तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं लिखेंगे तो कुछ गलत याद रहेगा तो फिर आप जिम्मेदार होंगे। तो लिखना शुरू करिए, सौंफ 150 ग्राम, सौंफ 150 ग्राम, धनिया 150 ग्राम, मेथी का दाना 150 ग्राम, और आंवला सूखा हुआ 150 ग्राम, और 150 ग्राम लीजिए गौन मोरिंगा सफ़ेद। ये सफ़ेद गौन मोरिंगा ही लेना, इसमें लोग लाल पीले भी देने लगते हैं, सफ़ेद गौन मोरिंगा ही असली होता है सफ़ेद वाला। इन सबको पाउडर बना लीजिए और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम, छोटा चाय का चम्मच, मम्मी को पानी से दिया करें और 5 बार गर्म पानी पिलाया करें तो मम्मी का ठीक होना आपके मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है छत्तीसगढ़ से जगदीप, स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार। मेरा उम्र है 70 हम्म। मेरा 3 साल पहले स्पाइनल L4 में ऑपरेशन हुआ था, पैर लूज हो गया था एक तो ऑपरेशन हुआ था, कुछ चल रहा हूँ लाठी लेकर, मगर कुछ कमजोर है तो उसका दवाई बताने की कृपा करें। एक पैर और हाथ वगैरह ठीक है। ठीक। अच्छा देखिए एक बहुत सस्ती दवाई है
दवाई भी क्या है, एक गोंद है, इसे काला गोंद कहते हैं या गोंसिया कहिए, हम लोग गोंसिया कहते हैं, आसान भाषा में काला गोंद कहते हैं। ये काला गोंद जायके में बहुत कड़वा होता है और अक्सर नकली मिलता है, असली आपको मिल जाए तो 100-200 ग्राम ले लीजिए बस। ये बहुत सस्ता भी है, बहुत महंगा भी है। लेकिन सस्ता इसलिए है कि 10-12 रुपए रोज़ की खुराक पड़ती है, दो खुराक सिर्फ 10-12 रुपए में, और महंगा इसलिए है कि 10-12 हज़ार रुपये किलो मिलता है, तो कोई नकली ना दे दे, इसलिए मैं कीमत भी बता रहा हूँ, जायका भी बता रहा हूँ। बहुत कड़वा होता है और ये असली लेना आपका जिम्मेदारी है। 100 ग्राम भी अगर आपको मिल गया तो ये ख़त्म होते होते आपका रोग मुक्त होना मुमकिन है। छत्तीसगढ़ से हैं पवन, अगले कॉलर, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब नमस्ते, मैम नमस्ते। नमस्कार जी। सर मेरा एक, मैंने 2-3 ठो दवाई मंगाया है, इसको कैसा खाना है ये थोड़ा आप समझाइएगा मेरे को। क्या क्या दवाई है? काला गौंसिया मंगाया है, चमन अखरोट त्रास मंगाया है और हुस्न सुलेमानी, ये तीन दवाई मंगाया है मैंने। और ये मैं घर में, आप बताते हैं गैस के लिए जो अदरक सौंठ है, धनिया है, मेथी है, अजवाइन है, सौंफ है, ये सब मैंने पाउडर बना के रखा है, उनको इन दवाई के साथ में लेना है या नहीं लेना है? जी ठीक। सर गौंसिया का पाउडर बना लें और आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम पानी के साथ खाने के बाद या बगैर चर्बी के दूध के साथ दो बार खाएं खाने के पश्चात, तो ये आपके दर्द के लिए बेहतर होगा। और अखरोट प्राश अगर लेना है तो सुबह एक चम्मच ले सकते हैं। अगर आपकी उम्र 40-45 से ज़्यादा है तो पानी से या बगैर चर्बी के दूध से लें। और ये जो पाउडर आपने बनाया है, इसे अगर पेट ख़राब है तो आधा आधा चम्मच या एक एक चम्मच सुबह शाम लेने से आपका पेट भी दुरुस्त होना मुमकिन है। आनंद है अगले कॉलर, महाराष्ट्र से, स्वागत है आनंद जी। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार मैडम, मैं शिरडी से बोल रहा हूँ। मेरा एज है ना 41 है, तो मेरा तबीयत तेजी कम हो जाता है मैडम, महीने दो महीने के बाद। नहीं समझा बेटा आप क्या कह रहे हैं? सर मैं 41 का एज है मेरा। हाँ। तो मेरा सफेद पेशी बोलते ना। अच्छा, उनका अच्छा। सफेद, हाँ, तो वो कम हो जाता है दो महीने के बाद, डेढ़ महीने के बाद। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, एक आता है एलोवेरा का सिरका, एलोवेरा का सिरका ले लीजिए और 3 चम्मच रात को पानी में मिलाकर रोजाना एक बार पिया करें, आपको फायदा मुमकिन। हमारे साथ बिजनौर से हैं साजिद, स्वागत है आपका। आदाब। आदाब जी। आदाब साजिद भाई, बताइए क्या सवाल है? हमारी घरवाली के घुटनों में दर्द है जी, और दर्द बहुत दिनों से है। और हड्डी भी चल चल बोलती है उनकी, और बहुत ही परेशान है। पहले मैंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर को उन्होंने बतेरा मना करा, मैंने उन्होंने इंजेक्शन लगाया इनके घुटनों में। अरे अब वो घुटनों में इंजेक्शन लगाया तो उससे कन्वर्स ठीक रिया इनका हिसाब थोड़ी बहुत दिन, उसके बाद ज्यादा पोजिशन गलत हो गई और जी फिर ज्यादा होने लगी, फिर ये बेहतर चलने लगी। जी पोजिशन जो है ज्यादा खराब है, तो मैंने आपका प्रोग्राम सुना था, तो आप कोई इनके लिए दवा बताइए। और मैं गौंसिया लाया था। लिया है गौंसिया, कहाँ से आया? वहीं से लिया मैंने, वहीं अपना कस्बा किरतपुर से। अच्छा क्या भाव मिला? और वो गौन आप बता रहे 10-12 हज़ार रुपए किलो। हाँ। और वो गौन मिला 70-100 ग्राम, तो नकली है फिर इसका मतलब। मैंने खिलाया नहीं,
मैंने जी से मैं व्यायाम कर लूंगा तभी दूंगा मैं, तो इसकी सनात बता दें आप। अच्छा देखिए, ये इतना सस्ता नहीं आता, ये तो मिलता ही बड़ा मुश्किल से है, और ये गौंसिया कड़वा बहुत होता है। अक्सर लोग जो दुकानदार हैं गांवों के, वो एलवा दे देते, वो भी कड़वा होता है लेकिन इतना कड़वा नहीं होता, ये तो कुछ ज़्यादा ही कड़वा होता है। तो असली नहीं है, उसे मत खिलाइए। अगर नहीं मिले तो आप हमारे यहाँ से भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से जो मिलेगा तो इंतज़ार तो करना पड़ सकता है 10-5 दिन का, क्योंकि जब तक असली नहीं होता हम भेजते ही नहीं हैं। तो 10-12 रुपए रोज़ के खुराक है, 10-12 हज़ार रुपये किलो मिलता है, और हमारे यहाँ 150 ग्राम के पैक में मिलता है। ये यानी 5 महीने चलता है 150 ग्राम। 10-12 रुपए रोज़ खर्च कीजिए अपनी पत्नी पर, और आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खिलाएं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आपकी अहलिया का ठीक होना मुमकिन है। आइए बात कर लेते हैं कुछ और कॉलर से। स्वागत है आपका। नरेंद्र जी स्वागत है आपका। हेलो जी नरेंद्र जी, आप टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए और सवाल करिए। जी मैम, मेरे पापा है ना, हाँ, उनके मतलब पैर में दर्द है कमर से एड़ी तक। ठीक है, एक पैर। उनकी आयु बता दीजिए नरेंद्र जी। एक पैर में। एक पैर में कितनी आयु है? आयु करीब 45 से 50 के बीच में। ठीक है। अच्छा देखिए, हो सकता है आपने कोई जांच नहीं कराई हो, लेकिन मेरा अनुभव यह है कि कमर में उनके डिस्क में एक रग दब गई है जो पैरों की तरफ खून सप्लाई करती है। इसको इंग्लिश में साइटिका कहते हैं, और गांवों में लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। ये रग दबी हुई है जो खून सप्लाई करने वाली है। उनसे कहें कि मेहनत का काम बिल्कुल ना करें, और ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करें जो कुर्सी वाला है, तो बगैर दवा के भी ठीक हो सकते हैं। और अगर उसके बावजूद भी उनको परेशानी है तो फिर गौंद स्याह नाम का एक गौंद आता है, यानी काला गौंद। गौंद स्याह हम लोग कहते हैं, आसान भाषा में गौंद काला गौंद कहते हैं। ये असली लेना, नकली बहुत मिलता है। आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम अगर पिताश्री को देंगे तो बहुत जल्द उनका ठीक होना मुमकिन है। अगली कॉलर है यूपी से प्रगति। स्वागत है प्रगति। हेलो। हाँ जी हकीम जी, नमस्कार जी। जय हिंद, बताइए प्रगति जी। हमें ये समस्या है कि एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है, जुखाम बहुत जल्दी बार बार होता है। ठीक है, आयु क्या है आपकी? दिन तक रहता है। अभी कुछ दिनों से दवाई खा रहे हैं बराबर, लेकिन 2 महीनों से लगातार ठीक ही नहीं हो रहा। ठीक है बेटा। अच्छा देखिए प्रगति जी, इसका आपको अगर 5-6 महीने इलाज अगर करते हैं तो फिर ये आपकी प्रवृत्ति बदल जाएगी। आप ठंडे मिजाज के हैं, और इसे गांवों में कहते हैं खून में सर्दी है, और वैसे मेडिकल लैंग्वेज में हमारे इम्यूनिटी कम होती है, यानी रोग प्रतिरोधक ताकत कम होती है। इसकी वजह से हम बार बार सर्दी खांसी नज़ला छींके बलगम इसमें परेशान हो जाते हैं। देखिए अगर आपको मुस्तकिल इलाज चाहिए तो एक माजून आती है, एक पेस्ट आता है माजून आर केयर, ये सुबह खाली पेट 1 चम्मच और रात को सोते समय 1 चम्मच गर्म पानी से लें, और खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें 5-6 महीने के लिए, तो आप हमेशा के लिए भी ठीक हो सकती हैं। अगले कॉलर हैं झारखंड से दीपक। स्वागत है दीपक जी। जी मेरे आंख में हमेशा खिंचाव रहता है और पेट में भी प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण शरीर लग नहीं रहा है। हाथ में खिंचाव, पेट में दिक्कत, हाथ में कह रहे हैं आप? दीपक जी आप आंतों में बोल रहे हैं या फिर हाथों में? आंख में, आंखों में। आंखों में, आंखों में। ठीक है। अच्छा देखिए एक आता है मुरब्बा आंवला, समझ लीजिए आंवले को एक
प्रक्रिया करके वो एक चाशनी में डाल देते हैं मीठी चीज़ में, तो मुरब्बा बन जाता है। ये आंवले का मुरब्बा मिलता है, रोज़ाना एक आंवला का पीस लें और सुबह ही सुबह खा लें पानी के साथ। ये रोज़ाना आप शुरू करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है।